क्योंकि जब रबेका ने बताया कि एनके नागा इज द सिंगर फ्रॉम नागालैंड, वो आ रहा है, उसके पहले मैंने अभी कुछ एक हफ्ते पहले मैंने उनका एक गाना देखा था, जो उन्होंने किशोर कुमार का एक गाना है बहुत पुराना जो बंगाली उसमें गाया, आप भी सब देखे, बहुत कमाल का गाया, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि किशोर कुमार दा ने नहीं गाया है। तो मैं आई वॉज सरप्राइज कि ये बंदा आने वाला है, उसको हिंदी का, बिकॉज एक नॉर्थ ईस्ट का एक एक्सेंट होता है, एक बोलने का तरीका होता है। फिर बाद में जब वो आया तो मैं सरप्राइज हो गया, आप मानेंगे नहीं, वो मराठी में भी गाता है, वो ऐसे 20-25 लैंग्वेज में गाता है, भोजपुरी में गाता है। तो ही वॉज लाइक एंटरटेनिंग मी फॉर लास्ट 6-7 डेज़। फिर हमने क्या किया, हमने 5 गाने इनके रिकॉर्ड किए, उसमें से ये गाना जो है कैसे जीऊँ, ये एक गाना हमने पिक्चराइज़ किया है, क्योंकि जो बाकी 4 गाने शायद वो मूवी में यूज़ होंगे या कोई पर्टिकुलर चैनल के लिए यूज़ होंगे। एलिना के मैं जानना चाहूँगा कि उनको भी बहुत ग्लैमरस तरीके से लेकिन बहुत सिंपल वे में दिखाया आपने, उसके बारे में बताइए कैसा क्या जी, कनेक्शन एक्चुअली क्या है ना, देखिए ये एनके नागा का एक डिफरेंट लुक है, एक मंगोलियन लुक है, नॉर्थ ईस्ट का लुक है। तो उसके साथ हम लोग सोचे कि अगर हम इंडियन लड़की लेंगे या वो तो उसमें मैच नहीं करेगा, तो हमने एक प्रिफर किया एक फॉरेनर को, और वो भी एक सरप्राइज़ था, बिकॉज उनकी हिंदी अच्छी, इतनी अच्छी है कि जब उनसे फ़ोन में बात करे तो वो हिंदी में बात कर रही थी। तो ये पूरा देखा जाए तो टोटल हर हर चीज़ में सरप्राइज़ भरा हुआ था सर। ये पहले भी रवि का जी ने जो प्रोजेक्ट बनाया है जी। आपका, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत क्लासी सोचते हैं, क्रिएटिव विजन के बारे में बताइए कि क्या कहना चाहिए, कितना अच्छा क्रिएटिव विजन मानते हैं। जी देखिए, मैंने जब पहली मूवी स्टार्ट की थी बियॉन्ड द थर्ड काइंड, वो एक ट्रांसजेंडर के ऊपर थी, तो वो सबसे फर्स्ट मूवी 2012 में हमने स्टार्ट की थी, और उसको थाईलैंड पटाया में शूट किया था, जहाँ पे एक लड़का जो है वो ऑपरेशन करके लड़की बनता है। इट वाज अ वेरी डिफरेंट रियलिस्टिक सब्जेक्ट। और आप मेरी जितनी मूवीज़ मैंने जो डायरेक्ट किया, मोस्टली मोस्ट ऑफ द मूवीज़ आर रियल, लाइक ट्रू इंसिडेंट्स के ऊपर है। उसके बाद हमने की थी द डार्क सीक्रेट्स ऑफ टोनी, जो काला जादू टोना करते हैं छत्तीसगढ़ में, और औरतों को हर साल 50 से 60 औरतों को मार दिया जाता है ब्रूटली, कि ये डायन है, ये विच क्राफ्ट करती है। वो भी बहुत बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट था, अभी तो यूट्यूब और ये MX प्लेयर वगैरह में वायरल हो गया है, द डार्क सीक्रेट्स ऑफ टोनी। उसके बाद लिटिल बॉय मेरी रिलीज़ हुई लास्ट ईयर, वो भी रियल सब्जेक्ट के ऊपर, वहाँ पे एक छोटा बच्चा जो 7 साल का था, जब उसका बाप मर जाता है, वहाँ से उसका स्ट्रगल, और आज वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होगा। तो मोस्टली मोस्ट ऑफ द फिल्म जो हम लोग कर रहे हैं वो रियलिस्टिक है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज जाता है। लास्टली ये जानना चाहूँगी, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग मतलब ताल्लुकात है, तो क्या नॉर्थ ईस्ट के जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, उनका क्या मतलब बॉलीवुड को लेकर या हिंदी फिल्म को लेकर क्या उनका नहीं, रवैया है? देखिए नॉर्थ ईस्ट मैंने मेघालय में शूट किया, TMO अभी आने वाली, रिलीज़ होने वाली है, मेघालय में शूट किया था, शिलोंग चेरापुंजी में। लिटिल बॉय मैंने अरुणाचल में शूट किया था, और नागालैंड में मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है मैकेनिक दादा। तो वहाँ के जो जितने इंटरेक्शन मेरा 10 साल 12 साल से, और एक और बात बोलना चाहूँगा कि जो हमारा फाइन स्टूडियो बैनर है जो रबेका मैम का, इस मंथ 10 साल पूरे कर रहे हैं, और हमने एक छोटे से स्टूडियो मोतीलाल नगर में एक स्टूडियो से स्टार्ट किया था, और आज हम करीब 7 से 8 मूवीज़ हम बना चुके हैं। तो वहाँ के लोगों को जब मैंने वहाँ पे जब इंटरेक्ट किया, तो उन लोग फ़ैन है बॉलीवुड के, हर आदमी हिंदी गाना जानता है, मतलब एटलीस्ट गा नहीं पाता तो वो जानता है पूरे गाने, आप ऐसे ऐसे गाने जो हमको नहीं मालूम है उनको मालूम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।